नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। पूरे भारत में मानसून अपने अंतिम दौर में है, इसके बावजूद उसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान में जोरदार बारिश का कहर लगातार बरस रहा है। कई जिलों में तो बारिश के चलते फसलें तबाह होने की कगार पर आ गई है। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में काले बादल जमाझम बरस रहे हैं, तो बाढ़ की स्थिति के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। करीब दो महीने से लगातार मूसलाधार बारिश के कारण लगभग पूरा राजस्थान पानी पानी हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश के चलते नदी नाले, तालाब, सड़कें, अंडरपास आदि जगहों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इसके चलते व्यवस्था इतर बितर हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी राजस्थान में मानसून की मेहरबानी जारी रहेगी। आगामी कुछ दिनों तक बारिश का कहर मरुद्रा के अलग अलग हिस्सों में जारी रहेगा। IMD के अनुसार 13 सितंबर को मरुद्रा के जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। यह सिलसिला रुक रुक कर जारी रह सकता है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार एक कम दबाव का क्षेत्र फिर बदल गया है। आगामी 24 घंटे में इसके उत्तर पश्चिम दिशा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ने के आसार हैं। इसके कारण आगामी 24 घंटों में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के कोटा, भरतपुर और अजमेर संभाग में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में कुल छोटे बड़े 691 बांध है। लगातार बारिश होने से 357 बांध पानी से भर गए हैं। 197 बांध ऐसे हैं जहां पानी निकासी के लिए गेट खोलने पड़े हैं। वहीं 226 बांध ऐसे हैं जो आधे से अधिक पानी से भर गए हैं। कहा जा रहा है कि इस बार एक साल तक प्रदेश में पानी की किल्लत नहीं होगी। भजनलाल सरकार राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की योजना को लागू करने की पूरी तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार नगर निकाय के चुनाव नहीं होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो इस वर्ष राज्य के 5 नगर निगम, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव स्थगित हो सकते हैं। सरकार सभी चुनाव को एक साथ करवाने की योजना बना रही है। UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि राजस्थान में जल्दी वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति लागू होगी। इस योजना के अनुसार कई नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो जाएगा, इसके बाद सरकार वहां प्रशासक नियुक्त कर सकती है। UDH मंत्री जाबर सिंह ने स्पष्ट किया है कि भजनलाल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला लागू करने जा रही है। इसके तहत राज्य की कई नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। मंत्री के इस बयान के बाद यह संभावना है कि इन निकायों में 2025 में चुनाव होंगे। इस निर्णय के कारण प्रदेश के 5 नगर निगम, 28 नगर पालिकाओं और 16 नगर परिषदों में इस साल चुनाव नहीं होंगे। सरकार 2025 में एक साथ चुनाव करवाने की योजना बना रही है। भजनलाल सरकार द्वारा वन स्टेट वन इलेक्शन की योजना के तहत 2025 में चुनाव कराए जाने की तैयारी हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की 91 नगर निकायों का कार्यकाल जो 2026 में खत्म होना था, अब 2025 में ही समाप्त होगा। इसका मतलब है कि इन निकायों में चुनाव एक साल पहले होंगे। इसके अलावा 26 नगर निकायों का कार्यकाल 2025 में पूरा हो रहा है, इसीलिए इसके चुनाव तय समय के अनुसार 2025 में ही होंगे। बीकानेर से दिल्ली के लिए जिले के निवासियों को एक और सहूलियत मिल गई है। अलायंस एयर की फ्लाइट अब सप्ताह में 3 दिन बीकानेर से दिल्ली वाया जयपुर की उड़ान भरेगी। पहले ये सप्ताह में 2 बार थी, लेकिन अब पैसेंजर की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए कंपनी ने इसे सप्ताह में 3 दिन करने का फैसला किया है। ये फ्लाइट जयपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। आज दोपहर 3:35 पर अलायंस एयर ने उड़ान भरी फ्लाइट में जाने वाले मुसाफिरों ने इसे एक बेहतर कदम बताया और इसे नियमित करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि बीकानेर से नियमित फ्लाइट हो जाने से लोगों का समय बचेगा और कम किराए और कम समय में बीकानेर से दिल्ली और जयपुर जाकर आ सकेंगे। लोगों ने देश के अन्य बड़े शहरों के लिए भी बीकानेर से फ्लाइट शुरू किए जाने की मांग की है। वहीं बीकानेर के नाल एयरपोर्ट के अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में बीकानेर वासियों को कई नई सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। यहां से बड़े प्लेन चलाए जाने पर विचार चल रहा है ताकि बीकानेर को देश के दूसरे बड़े शहरों से जोड़ा जा सके। उनका कहना है कि बीकानेर से दिल्ली वाया जयपुर की फ्लाइट शुरू किए जाने का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और आने वाले समय में इसे नियमित भी किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए बयान पर भाजपा मुखर होकर सड़कों पर उतरी। भाजपा की ओर से प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर राहुल गांधी के बयान का विरोध किया जा रहा है। जयपुर में भी SC ST मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रदर्शन मात्र औपचारिकता साबित हुआ है। विरोध प्रदर्शन के लिए 50 से भी कम कार्यकर्ता जुट पाए। हालांकि इस मौके पर बीजेपी महामंत्री जितेंद्र गोठवाल और ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण लाल मीणा ने कांग्रेस पर आक्रोश व्यक्त किया। राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण सहित अन्य मुद्दों पर बयान देकर एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। राजस्थान में राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान को मुद्दा बनाकर भाजपा SC ST मोर्चा तो सड़क पर उतर आया। विधायक जितेंद्र गोठवाल और ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में 50 से भी कम कार्यकर्ता पहुंचे। ऐसे में प्रदर्शन सड़क के किनारे स्लिप लेन में किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर सुर्खियां बटोरने के लिए भारत के
की आलोचना करने का काम किया है वो बहुत निंदनीय है। उन्हें तमाम आरक्षित वर्ग के साथ देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये वही पार्टी है जिसके नेता पहले भी आरक्षण को खत्म करने के पक्ष की बात कर चुके हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं हमेशा देश को अपमानित करने वाले उनके बयान सामने आते हैं जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को तकलीफ होती है। इस बार तो हद तब पार कर दी जब उन्होंने धर्म से धर्म जाति से जाति को लेकर बयान दिया। इसके साथ आरक्षण खत्म करने की बात भी राहुल गांधी ने कही। गोठवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय आरक्षण की पक्षधर बनती है, सदैव आरक्षण की बात करती है लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं इनका असली चेहरा सामने आता है और यह आरक्षण को खत्म करने की बात करने लगते हैं। जब जब भी राहुल गांधी विदेश जाकर स्टेटमेंट देते हैं तो हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आते हैं। गोठवाल ने कहा कि यह इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता देश की आलोचना करने में नंबर वन है। ऐसा लगता है कि इस पार्टी के नेता को विदेश में टीआरपी मिले इसीलिए कुछ भी करने गुजरने के लिए तैयार है। विदेश के अखबार में छपने के लिए देश की आलोचना करने में भी यह लोग संकोच नहीं करते हैं। इसीलिए एससी एसटी और आरक्षित वर्ग के लोगों ने आज राहुल गांधी का प्रदेश सहित जिला हेडक्वार्टर पर विरोध प्रकट किया है। एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अमेरिका में हमारी एसटी मोर्चा के आरक्षण पर कहा कि वो आरक्षण को समाप्त करने के बारे में सोचेंगे, राहुल गांधी को याद रखना होगा कि उनकी जब सरकार थी तब पंडित नेहरू ने कहा था कि मैं सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ हूँ। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस हमेशा बीजेपी को आरक्षण समाप्त करने के नाम पर बदनाम करती है जबकि मनसा स्वयं कांग्रेस की रही है कि एसटी एससी के आरक्षण को समाप्त किया जाए, लेकिन इस देश की जनता अब समझ रही है जो कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। मीणा ने कहा कि आरक्षित वर्ग समान नागरिक बनाने की बात करने वाले राहुल गांधी से सवाल है कि आखिर 65 साल राज करने के दौरान क्यों आरक्षित समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। राहुल गांधी के इस बयान की घोर निंदा करते हैं और देश की जनता से माफी मांगने की मांग करते हैं। राजस्थान की राजनीति में कई दिनों से शांत रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से चर्चा में है। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत आज शाम दिल्ली जा रहे हैं। बता दें कि करीब 3 महीने के बाद यह उनका पहला सियासी दौरा होगा। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे के दौरान अशोक गहलोत की कांग्रेस आला कमान सहित नेताओं से राजनीतिक मुलाकात होगी। वहीं ये भी चर्चा है कि बहुत जल्द गहलोत को संगठन में किसी बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल राजस्थान में आज भी कांग्रेस की राजनीति की धुरी गहलोत ही माने जाते हैं। ऐसे में उनके दौर को लेकर अटकेले लगाना लाजमी है। इसके अलावा ये भी बता दें कि वर्तमान में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र व गुजरात में निकट भविष्य में होने वाले हैं। पहले का इतिहास देखा जाए तो गहलोत को मुश्किल जिम्मेदारियां दी जाती थी जिसे वे अपनी राजनीतिक कौशल से आसान बना लेते हैं। अब देखना होगा कि क्या जिम्मेदारी दी जाती है। बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ चुनावी राज्यों से जुड़ी रणनीति भी बनाएंगे। इसके साथ साथ मौजूदा हालातों में किन किन मुद्दों को उठाया जा सकता है और क्या रणनीति अपनाई जाती है सभी मुद्दों पर नेताओं के साथ मंथन कर सकते हैं। वहीं पार्टी भी गहलोत के राजनीतिक अनुभव को काम में ले सकती है। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी अशोक गहलोत को कांग्रेस आला कमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी क्योंकि जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव न लड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ा तो अमेठी सीट की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई थी। अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। इस चुनाव में अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को जीत दिलवाने में गहलोत की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अमेठी सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे हैं, इसीलिए यह सीट कांग्रेस परिवार के लिए महत्वपूर्ण थी जिसे गहलोत ने जीत कर दिखाया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जबरदस्त हमला किया है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, एक राष्ट्रभक्त हैं तो अपने देश की बुराई कहीं भी नहीं करेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आगे कहा कि राहुल गांधी तो विदेश में जाकर अपने देश की बुराई कर रहे हैं, ये उनका पक्ष है लेकिन ये ठीक नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय और आरक्षण के संबंध में बयान दिया जिसके बाद देश में मामला गर्म हो गया है, भाजपा हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने भाषण में कहा, लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में वह गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में आरक्षण खत्म करने को लेकर कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, अभी सही समय नहीं है। नए वेदर सिस्टम के चलते राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। धौलपुर जिले में मंगलवार को शुरू हुआ बारिश का दौर गुरुवार को भी रुक कर जारी है। भारी बारिश के चलते कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। धौलपुर में आज कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की छुट्टी घोषित की गई है। कचमेंट एरिया में निरंतर बारिश से पार्वती बांध में पानी की आवक जारी है। ऐसे में आज पार्वती डैम के 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में करीब 50 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पार्वती नदी में जल स्तर
जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इधर मंचकुंड 45 साल बाद लबालब होने से लोगों में खुशी है। भारी बारिश के साथ करौली कचमेंट एरिया से लगातार पानी की आवक की वजह से अंगाई स्थित पार्वती बांध का जल स्तर एक बार फिर 223.35 मीटर पहुंच गया है। ऐसे में गेज मेंटेन करने के लिए आज 16 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। पार्वती डैम के 16 गेट 3 फीट खोलकर 774.368 क्यूबिक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान तैनात है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10 बजे जैन सुशील कुमार के नेतृत्व में पार्वती डैम के 16 गेट खोले गए। ऐसे में संभव क्षेत्र से होकर गुजर रही पार्वती नदी में उफान आ गया है। तहसीलदार राहुल धाकड़ लगातार पार्वती नदी का दौरा कर रहे हैं और आसपास के गांवों में फोन से हालातों का जायजा ले रहे हैं। नदी किनारे बसे दर्जनों गांवों में पानी भर गया है। यहां करीब 50 से ज्यादा गांव नदी के किनारे पर हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडराता जा रहा है। वहीं पार्वती नदी के नए पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। यहां पुल के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। धौलपुर में हो रही जोरदार बारिश का असर ही है कि तीर्थराज की धरा पर स्थित मंचकुंड बीते 45 साल बाद लबालब हुआ है। महंत कृष्ण दास ने बताया कि इससे पहले मंचकुंड 1979 में लबालब हुआ था। इस बार पानी कुंड के ऊपर सीढ़ियों तक आ गया है, जिससे शहरवासियों सहित धर्म प्रेमी और मंचकुंड समिति के सदस्यों में हर्षोल्लास है। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।